हाय एवरीवन, मैं चंद्रिका सोलंकी आज आपके साथ मसालेदार करेले की सब्जी बनाने की परफेक्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, करेले की सब्जी खाने में थोड़ी कड़वी होती है, पर इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें करेले की सब्जी अलग अलग तरीक़ों से बनाकर खानी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, करेले की सब्जी बनाने की सामग्री तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 300 ग्राम फ्रेश करेले लिए हैं। पहले तो हम इसके ऊपर और नीचे के डीटे निकाल देंगे और इसके ऊपर की जो उपसी हुई छाल है उसे साधारण निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह हमें सारे करेले छीलकर पानी में डालकर रख देने हैं। सारे करेले धोने के बाद हम इसे एक अलग डिश में निकाल लेंगे। अब हम एक कॉटन का रुमाल लेकर उसमें सारे करेले रखकर अच्छी तरह से उसे सुखा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसे सुखा दिया है। अब हम एक प्लेट लेंगे और उसमें करेले को बीच में से काट लेंगे और उसकी पतली पतली चिप्स बना लेंगे। फ्रेंड्स, सारे करेले हम इसी तरह से काट लेंगे। आप अगर चाहे तो इसे गोल भी काट सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने सारे करेले को पतले पतले काट कर तैयार कर लिया है। अब हम एक चम्मच इसमें नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने के बाद हम इसे आधा घंटा ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है, हमारे करेले तैयार है। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसमें हम करेले को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और उसका पानी निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं कैसे जोरों से इससे निचोड़ कर इसका पानी निकाल रही हूँ। ऐसे ही आपको निकालना है। इसके पानी में करेले का बहुत सारा कड़वापन निकल जाता है, जिसकी वजह से करेले की सब्जी बहुत ही कम कड़वी लगती है। तो फ्रेंड्स, सब्जी बनाने के लिए हमारे करेले तैयार हैं। चलिए फ्रेंड्स, गैस की तरफ चलते हैं। मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालकर गैस को चालू कर दिया है। जैसे ही तेल गर्म होता है, पहले तो हमें 1 चम्मच जीरा डालना है। जीरे को अच्छी तरह से फ्राई होने देना है। उसके बाद में हमें कद्दूकस किया हुआ लहसुन डालना है। जब दोनों फ्राई हो जाए
तब हम करेले डालकर अच्छी तरह से हिला लेंगे। शुरुआत में तो हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, पर अभी हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे दो बड़ी प्याज कटी हुई डालकर अच्छे से हिला के मिक्स कर लूँगी और लो टू मीडियम गैस पर दोनों को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी सब्जी नीचे जल न जाए इसलिए हमें इसे दो दो मिनट के अंतर पे हिलाते रहना है। फ्रेंड्स, करेले की सब्जी बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है, पर अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये आपको जरूर बहुत ही पसंद आएगी और ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही फ़ायदाकारक होती है। फ्रेंड्स, हमारी सब्जी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें मसाले कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें थोड़ा सा नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर, डेढ़ चम्मच मिर्च पाउडर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले हो जाने के बाद भी हमें इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देना है ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, टेस्टी और हेल्दी और मसालेदार करेले की सब्जी खाने के लिए तैयार हो चुकी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।